Class, let's continue our topic polynomials and today we will discuss a question number 25. इसमें problems आ रही हैं कुछ लोगों को तो इसको solve कर रहे हैं. Yesterday we have discussed 24 question, what must be added, okay? And थोड़ा सा things learn कर लेते हैं. See 7 या चलिए divide by 3. तो 3 2 जा 6 2. Yes or no? ओके कितना आएगा? 9 1 आएगा. ओके सी अब ध्यान से किए. अगर क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड. ओके एडेड की कंडीशन है तो आपको रिमाइंडर देखना है. जो भी रिमाइंडर दिया होगा उसी का ही अपोजिट साइन हम उस नंबर में से माइनस कर देंगे. सी व्हाट मस्ट बी एडेड, देखो ऐड ही किया है. क्या ऐड करें? जो रिमाइंडर आया इसका अपोजिट साइन. 7 माइनस 1 इज 6. क्या 6 3 से डिविजिबल है? यस, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा. सेकंड कंडीशन सब्ट्रैक्शन की, 3 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर कितना आया? 1. तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, देन जो रिमाइंडर लिखा होता है उसको एडिटस माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन. तो 7 में से ये सब्ट्रैक्ट किया गया है. क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है? सेम एज जो लिखा है यहाँ पर 1, तो 1. तो 7 माइनस 1 इज 6. ओके एक और एग्जांपल दे रहे हैं. सपोज कुछ और कंडीशन है, 2 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है. और सपोज हमारा रिमाइंडर एक्स प्लस 3 आया, ये क्या आया हमारा रिमाइंडर. ओके तो व्हाट मस्ट बी एडेड, एडेड में सपोज एक्स माइनस 3 आया, व्हाट मस्ट बी एडेड, तो एडेड में क्या होंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस 3, ये ऐड करोगे. सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? एज इट इज एक्स माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होते हैं, एडेड में साइन चेंज हो जाते हैं. बात समझ में आ गई? सो क्वेश्चन करें. क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड ऑफ दिस पॉलीनोमियल देन इट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई जी एक्स. एफ एक्स जी एस लिखा नहीं है, हमने इसको लेट कर लिया है. सो एफ एक्स को डिवाइड किया हमने जी एक्स से. ओके सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6. नाउ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यस एक्स स्क्वायर, सो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 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 कैंसिल आउट कैंसिल आउट, एंड माइनस है तो प्लस. व्हाट वैल्यू? 3 में से एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6. सो फर्स्ट हेयर इज प्लस साइन, मोस्टली साइन जो यहाँ होता है वही यहाँ पर आता है. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 है एक्स स्क्वायर 1 से, एक्स स्क्वायर की 1 से प्लस 2x की 1 से प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3. सो व्हाट माइनस प्लस 4 2 2x प्लस 9. ओके सो क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. तो क्या सिखाया था? सब्ट्रैक्टेशन में साइन चेंज नहीं होता है. ओके सो सिंस रिमाइंडर इज 2x प्लस 9, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ओके तो ये कंप्लीटली डिविजिबल करेगा. यस और नो? सेम वे तो रिमाइंडर को ही माइनस कर दें. देयरफॉर इफ वी सब्ट्रैक्ट व्हाट सेम एज 2x प्लस 9 from fx, okay, then
it will be completely, या हम exactly भी लिख सकते हैं, उसमें वर्ड आया है exactly divisible by gx. Okay, have a look. Okay class, now let's solve one more question. Question number 26, और ये आपकी polynomial chapter का last question है. Using the factor theorem to prove that x plus a is a factor of x to the power n plus a to the power n. Let fx is equal to x to the power n plus a to the power n. ये दिया हमने, let fx कर दिया. And gx is x plus a. And question is, prove that कि x plus a जो है इसका फैक्टर है. ओके, एंड क्वेश्चन में गिवन है n इज ऑड इंटीजर. ओके, n क्या है, वेयर n इज ऑड इंटीजर, n इज ऑड इंटीजर. नाउ सी, सो फैक्टर थ्योरम कहती है व्हाट बाय फैक्टर थ्योरम, व्हाट पुट, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ एक्स, एफ एक्स में पुट किया. सो अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई ये पुट करने पर, तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नॉट. एफ माइनस ए इक्वल टू माइनस ए टू दी पावर एन प्लस ए टू दी पावर एन. एंड क्वेश्चन डिमांड है एन इज ऑड इंटीजर, सी इट इज माइनस वन टू द पावर थ्री, सो आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव, यस नेगेटिव वन, ऐसा ना, इट मींस 101 होगा, ऑड है तब भी आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा, इट मींस ऑड में नेगेटिव वैल्यू आती है. ओके, सी सेम वे माइनस वन टू द पावर एन, तो आंसर एन क्या है, एन इज ऑड इंटीजर, तो ऑड है तो ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव, और ए की पावर एन ऐसे ही रहा, प्लस ए टू दी पावर एन, दिस वन कैंसिल एंड जीरो, ऐसा और नो. तो देयरफॉर व्हाट एक्स टू दी पावर एन प्लस ए टू दी पावर एन, नो एक्स प्लस ए is a factor of fx, hence proved. Okay, note down. Okay class, so polynomial chapter finish ho gaya hai. Now you have to revise the full polynomial chapter, okay, and complete the example of exercise 2d. जो 2d के example हैं उनको करिएगा, जो एग्जाम्पल 10 तक हैं, जो हो गए हैं उनको रिवाइज रिपीट मत करिएगा. ओके, सो सैटरडे संडे छुट्टी है तो उसको रिवाइज करिए और उसके एग्जाम्पल्स करिए. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.